इसे साधारण सब्जी समझने की भूल ना करें। दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी है ये। ड्रमस्टिक यानी कि मुनगा, कुछ लोग इसे सहजन भी बोलते हैं। मुनगे के पेड़ की जड़ें, तने, छाल, पत्तियां, फूल, फल, बीज, सब कुछ एक न्यूट्रिशन का बेहतर स्रोत माने जाते हैं। अफ्रीकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्चिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के रूप में जाना जाता है। 100 से भी अधिक तरीकों से इसका उपयोग पोषण के लिए होता है। मुनगे की फली से जहां स्वादिष्ट सब्जी बनती है, वहीं इसे भूनकर खाने से मूंगफली जैसा स्वाद देता है। इसके बीज से तेल बनता है, वहीं छाल, पत्ती और जड़ से आयुर्वेदिक दवाएं और तने, फूल, पत्तियों से खाद्य का तेल बनता है। मुनगे का इस्तेमाल 300 से भी अधिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। मुनगे का फल, पत्तियां, फूल, जड़, गोंद, मुनगे की सभी चीजों का इस्तेमाल 300 से भी अधिक बीमारियों में किया जाता है। आइए जानते हैं कि 100 ग्राम मुनगे की पत्तियों में कितने फायदे होते हैं। दही से 9 गुना अधिक प्रोटीन होता है 100 ग्राम मुनगे की पत्तियों में। अगर आप 100 ग्राम पत्तियों को सुखा और पीस कर इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो आपको इससे दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर को मिलेगी। संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी। अगर आप 100 ग्राम पत्तियों को सुखाकर और पीसकर इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो आपको इससे संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी मात्रा में आपके शरीर में जाएगी। गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए। अगर आप 100 ग्राम पत्तियों को सुखाकर और पीसकर इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो आपको इससे गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए की मात्रा आपके शरीर को मिलेगी। केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम। अगर आप 100 ग्राम पत्तियों को सुखाकर और पीसकर इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो आपको इससे केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम की मात्रा आपके शरीर को मिलेगी। पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन। अगर आप 100 ग्राम पत्तियों को सुखाकर और पीसकर इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो आपको इससे पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन की मात्रा आपके शरीर को मिलेगी। और दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम। अगर आप 100 ग्राम पत्तियों को सुखाकर यानी कि मुनगे की पत्तियों को सुखाकर और पीसकर इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो आपको इससे दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर को मिलेगी। तो आप समझ लीजिए कितनी ताकतवर होती हैं मुनगे की पत्तियां। आइए अब जानते हैं मुनगे यानी कि ड्रमस्टिक के बीज से पानी का शुद्धिकरण भी कैसे किया जाता है। आज के समय में शुद्ध पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुनगे के बीज के चूर्ण से पानी को शुद्ध किया जा सकता है। अगर 1 लीटर पानी में मुनगे के कुछ बीज को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर 1 लीटर पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा और आप उस पानी का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बच्चों के लिए क्यों बेहतरीन डाइट का स्रोत है ड्रमस्टिक यानी कि मुनगा। मुनगे की पत्तियां शिशुओं और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है। अगर मुनगे की पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लिया जाए और बच्चों को उसे दूध या पानी में मिलाकर दिया जाए तो वो बच्चों के लिए एक टॉनिक के रूप में काम करेगा और बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42% प्रोटीन, 25% कैल्शियम, 6% मैग्नीशियम, 74% आयरन, 41% पोटेशियम, 272% विटामिन ए, 22% विटामिन सी की पूर्ति उनके शरीर में हो सकती है। कैल्शियम की मात्रा 25% से ज्यादा होने के कारण अगर आप इसके पत्तियों का चूर्ण बच्चों के दूध में मिलाकर पिलाने से बच्चों की हड्डियां मजबूत बनती है। मुनगा महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। महिलाओं में भी मुनगा बहुत फायदेमंद होता है। मुनगे से महिलाओं को कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और अमीनो एसिड्स मिलते हैं। मुनगे की पत्तियों का रस अगर गर्भवती महिलाओं को इस्तेमाल कराया जाए तो प्रसव पीड़ा में राहत मिलती है और अगर इसे दूध पिलाने वाली माओं को पिलाया जाए तो इससे महिलाओं में दूध का स्वरूप भी बढ़ जाता है जिसके कारण उनके बच्चों को अधिक मात्रा में दूध मिल पाता है। मुनगे की पत्तियां भी बहुत ही फायदेमंद है। इसे सुखाकर आप लंबे समय के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। मुनगे की सूखी हुई पत्तियों का चूर्ण आप सब्जी में मसाले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे में डालकर इसका उपयोग रोटियों के रूप में भी आप कर सकते हैं। आप जब भी मुनगे की पत्तियों का चूर्ण अपने बच्चों को दें डाइट चार्ट के माध्यम से इसका इस्तेमाल अपने बच्चों के ऊपर करें। कुपोषण दूर करने में मुनगा एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। प्राचीन समय में भारत के लोग भी मुनगे का इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में करते रहे। उस समय भी मुनगा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता था। इसकी जड़ से लेकर पत्तियों तक सभी एक आयुर्वेदिक जड़ी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। आज के समय में सभी लोगों की निर्भरता जहां दवाइयों पर बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सब जानते हुए भी इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन जड़ी बूटियों का लाभ भरपूर मात्रा में उठा रहे हैं। अगर ये बोला जाए कि जड़ी बूटियों का खोज प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा हुआ है तो गलत नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे ग्रंथों में उन जड़ी बूटियों का उल्लेख देखा और पढ़ा जा सकता है। जहां सभी देश इन जड़ी बूटियों को अपनाने और जानने में लगे हैं, वहीं हमारा देश जहां सबसे ज्यादा इन जड़ी बूटियों का खोज हुआ वो सब भूलता जा रहा है। आज जरूरत है उन ग्रंथों को खोजना और उन जड़ी बूटियों को याद रखना और उनका इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, ये थे मुनगे के फायदे और मुनगे में बहुत सारे और भी फायदे हैं। इसे आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी डाइट में लेना चाहिए। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएगी और हर तरीके से आपको सुदृढ़ता देगी आपके शरीर को। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मुनगे
कि इन फायदों को अपने तक सीमित न रखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी मुनगे के लाभों को समझ सकें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन हिंदी के साथ। धन्यवाद।